Trust, Indian Oil Corporation and the Malika Refinery Limited for export of crude at Paradip by another. May I now call upon the signatories? Mr. Asmajani Mukher, Director Technical NRL. Mr. Anish Agarwal, Director Pipelines Indian Oil Corporation. And Mr. Linkesh Roy, Chairman Paradip Trust, to take their positions for this historic signing. The agreement from IOC side will be signed by ET Pipelines, Mr. Amit Tiwari. So this was the historic agreement, MoU, between Paradip Trust, Indian Oil Corporation, and the Malika Refinery, the public sector company and the government of India. The MoU is for import of crude at Paradip by the Malika Refinery Limited. पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे नुमाली गढ़ के ऊपर ही जाएगा।
दुनिया भर की तेल लैटिन अमेरिका से लेके सऊदी अरब से लेके ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड सारे इलाका का तेल आएगा पारादीप में अनलोड होके ये जाएगा हिमालीगढ़ तक। उसकी एक टर्मिनल बनाने के लिए आज पारादीप पोर्ट राजीनामा हुई हमें हाइया तो होगा ही पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को पारादीप पोर्ट में 1,000 करोड़ रुपया के निवेश में एक टर्मिनल बनेगा। इसके लिए स्थानीय अर्थनीति में भी उसकी फायदा मिलेगा और नितिन जी के नेतृत्व में देश में रोड शिपिंग एयरपोर्ट बाकी पाइपलाइन की इंफ्रास्ट्रक्चर गैस पाइपलाइन की इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी कई ज्वाइंट कोलैबोरेशन अभी हम कर रहे हैं। इसलिए इंटीग्रेटेड एनर्जी अप्रोच लेके हम काम कर रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है मैं अभी मेरे को हिमंत जी कह रहे थे आसाम सरकार कुछ पार्टनर बनना चाहता है नया इकोनॉमिक वेंचर पे। मैंने उनको कहा कि नितिन जी आपको प्रेम करते हैं आसाम को पटवारी को नितिन जी नहीं पार्टी में हमारे लाया था हिमंत आधा आधा तभी पूरा आ गया था। अभी दोनों हमारे आसाम के मजबूत स्तंभ है। आप नितिन जी से बात करो भारत के पोर्ट ऐसे क्यों ना सोचे अगर हम नॉर्थ ईस्ट के लिए हम नीचे दो पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं सितुए और चितागांव म्यांमार में सितुए और बांग्लादेश में चितागांव क्यों ना हम पारादीप से ही नॉर्थ ईस्ट तक जो क्रूड पाइपलाइन हम डाल दें बाकी नॉर्थ ईस्ट की ऑर्गेनिक वेजिटेबल सीधे एक्सप्रेस वे बने पारादीप आए दुनिया के बाजार में जाए दुनिया की चीज नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए पारादीप पोर्ट आए नॉर्थ ईस्ट आए। अगर हम बांग्लादेश और म्यांमार में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें नितिन जी चाहे तो रोड भी बना देंगे ये बात सही है कि
हमारे देश में वी आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, ये हमारी समस्या थी। और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के लिए कटिबद्ध है और इसलिए विजन रखकर आज धर्मेंद्र जी ने ये जो एग्रीमेंट उनके डिपार्टमेंट ने साइन किया है उसमें 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पैराडिप में होगी और ये पाइपलाइन भी काफी लंबी है और उसके बाद आसाम में भी इसके कारण काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार भी काम होंगे। उनकी बात बिल्कुल सही है कि यदि हमने गंगा में वाराणसी से हल्दिया तक 1680 किलोमीटर 3,000 करोड़ के काम हमने लगभग शुरू कर दिए हैं और सबसे अच्छी बात ये भी है कि भी मैं आसाम में गया था गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर भी हमने ड्रेजिंग भी शुरू किया और काफी काम शुरू किया है, 5 रोड सर्विसेज शुरू करिए, कुछ वाटर पोर्ट बना रहे हैं, 65 पटवारी जिले में 65 रिवर पोर्ट की बात की मैंने पूरी पूरी मंजूर कर दी है और वो भी बांग्लादेश विकसित कर रहा है उसको भी हम सहयोग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत सरकार ने हमारे विभाग ने बांग्लादेश सरकार से एग्रीमेंट किया है और हम ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश के क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए ड्रेजिंग पर खर्चा कर रहे हैं, 20% बांग्लादेश देगा और इसके बाद आसानी से हम लोग चिड़गांव तक हमारा फर्टिलाइजर सीमेंट फूलग्रेन सब पहुंचा सकेंगे और वहां से नॉर्थ में अगर ले जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है, एक रिवोल्यूशनरी उसमें फायदा होगा। आज विशेष रूप से मुझे खुशी है कि हमारी मेजर पोर्ट्स में पारादीप पोर्ट आता है। धर्मेंद्र जी, ये गौरव की बात है कि हमारी ट्रैफिक जो है ग्रोथ वो पूरे देश में 8% है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक ग्रोथ जो है वो 16% ये पैरादीप इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री हैंडलिंग अप्रोक्सीमेटली 90 मेट्रिक टन इन 2016 एंड 2017। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पैरादीप इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी करेंटली एट 143 मेट्रिक टन और अभी हम लोग इसको बढ़ाने के लिए हमने अच्छा प्लान बनाया, ऑलरेडी 12,000 करोड़ रुपए का कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान हमने बनाया जिसमें से 143 मेट्रिक टन से 350 मेट्रिक टन तक हम लोग हो जाएंगे और ऑलरेडी इस पर हमने 2,600 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। पैरादीप के साथ मेजर इंडस्ट्रियल हब हम डेवलप कर रहे हैं जो सागरवाला में हम 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें से 4 लाख करोड़ पोर्ट मेकनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन उसके लिए है और पोर्ट रेट रोड कनेक्टिविटी एंड पोर्ट रोड कनेक्टिविटी के लिए 1 लाख करोड़ है। अभी हमने तालचेर से पैरादीप रेलवे लाइन बनाने के लिए हमने कंपनी बना ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी साल उसका काम हम शुरू करेंगे और इनलाइन मॉडर्नाइजेशन का ड्रेजिंग करने शुरू कोल इंडिया अपना 60 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ाकर 300 मिलियन टन लेके जा रही है और हमने कोल मंत्रालय में प्रस्ताव किया कि हमारे पोर्ट पर क्योंकि पैरादीप में अभी ये भी कोशिश करें कि हमारा ग्राफ 22 मीटर तक जाएगा, 18 मीटर तक तो पनामा से एक शिप आएगा तो करीब 2 लाख टन से ज़्यादा कोल हम डायरेक्ट हमारे पोर्ट पर करीब 5 लाख 10 लाख टन स्टोरेज रखेंगे और कोल इंडिया को हमने कहा है कि आप कोल बैंक देते हैं तो इससे इम्पोर्ट कोल आना बंद हो जाएगा और इंडियन कोल को मांग भी बढ़ेगी और उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के कारण करीब 400 से 450 रुपये का वेस्टर्न एरिया में क्रॉस कर पाएंगे, महाराष्ट्र में गुजरात में पूरा कोल यहाँ से जा सकेगा। इसके साथ साथ हमने 2 प्रोजेक्ट के लिए अध्ययन करे हैं कि जो कोल प्रोडक्शन उड़ीसा में हो रहा है उससे कोल गैसिफिकेशन से पैरादीप पोर्ट पर यूरिया तैयार हो जो आज नेचुरल गैस
बिस्वा में स्लैब पड़ी हुई है तो कांडला से हम लोग एक 800 किलोमीटर का एक बड़ा कैनाल भी बना रहे रोड और रेलवे बना रहे और उसमें से जो लाइन है या जेंटर है वहां से खींचकर वहां से ले आएंगे कांडला में और कांडला से प्रदीप कोट लाएंगे जब कोल डालेंगे तो उससे खींचकर यहाँ ले आएंगे लाइन यहाँ ले आएंगे और उसके कारण सीमेंट वही समय मैंने कहा कि कम से कम 150 रुपये बैठ के नीचे मिलना चाहिए जो आयरन स्लैग पड़ी हुई है जो बेस्ट मटेरियल है वो हम रोड में यूज कर रहे हैं आज मैंने ये भी हमारे चेयरमैन को कहा है कि यहाँ जो बेस्ट मटेरियल है वो पूरा लेकर हम बिहार तक ले जाएंगे पटोरवेज की तरफ से और उसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन का उसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा के लिए ग्रोथ इंजन होगा नए रोजगार निर्माण होंगे और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप निर्माण होगी नया मेडिकल कॉलेज हम यहाँ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नई टाउनशिप भी डेवलप करने जा रहे हैं और एक बहुत आदर्श ऐसी टाउनशिप के साथ साथ पोर्ट लेट डेवलपमेंट में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट पारादीप पोर्ट में आई ये पोर्ट दुनिया के अच्छे पोर्ट में उसका नाम लिया जा सकता है इतना पॉपुलेशन इसका है और ये पोर्ट उड़ीसा का ग्रोथ इंजन बन सकता है निश्चित रूप से इसका विकास होगा और आपने जो बात बताई है कि बाकी और आसाम के लिए उसके ऊपर भी अभी हमने सागर में एक गंगा प्रोजेक्ट में एक नए बार डिजाइन के लिए जर्मन कंपनी को सिलेक्ट किया है 3 मीटर ड्राफ्ट में जहां 2000 टन का माल जाता था अब उसी शीट में हम लोग 5000 टन का केवल डिजाइन बदलकर 5000 टन माल लेकर जा सकते हैं ये बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज इस तरह का काम कर रहे हैं और दूसरा एक सहयोग आपने हमको चाहिए कि गंगा में हमने सब जगह पर एलएनजी बनकर पेट्रोलियम के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और हम पूरे शिपिंग को अब एलएनजी के ऊपर ले जाना चाहते हैं एलएनजी हमारा फ्यूचर फ्यूजन है पोल्यूशन के दूसरे कॉस्ट इफेक्टिव है और मैं आपसे अवेयर करूंगा कि पारादीप पोर्ट को भी धीरे धीरे हम लोग एलएनजी बनकर लेकर आगे एलएनजी पर मैक्सिमम काम करें और इसलिए वर्ल्ड में जो इंजिन है वो ड्यूअल फ्यूल के बने जिसमें डीजल और एलएनजी दोनों भी साथ रहेंगे तो एलएनजी के कारण पोल्यूशन भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी जो बड़ी वर्ल्ड की कंपनी है उसे भी हमने कोशिश की है कि जल्दी ही इंडिया में ड्यूअल इंजिन एलएनजी और डीजल वाले इंजिन भी मैन्युफैक्चरिंग हो और हमारे शिपिंग इंडस्ट्री में एलएनजी एज अ फ्यूल यूज हो आपने 2020 तक एक अप्रैल 2020 को हमने तय किया है मैंडेटरी किया है यूरो 6 के ऑटोमोबाइल जो पोल्यूशन के नॉर्म्स है वो मैंडेटरी करेंगे तो उसके स्वाभाविक रूप से रिफाइनरी में उसके पहले हमको यूरो 6 का फ्यूल लगेगा और आपने आश्वस्त किया है कि किसी भी स्थिति में 1 अप्रैल 2020 के पहले आप उसको कम कर पाएंगे पोल्यूशन के लिए भी वो आवश्यक है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जो योजनाएं बन रही है आने वाले नॉर्थ ईस्ट आसाम और उड़ीसा के लिए ग्रोथ इंजन होगी मैं फिर से एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके मार्गदर्शन में उड़ीसा के ग्रोथ इंजन बनाने जा रहा है पारादीप पोर्ट और इसमें रोजगार निर्माण होगा और यहाँ अभी वुडन क्लस्टर के लिए भी कांडला से लोग यहाँ 24 लोग फैक्ट्री को लेकर आए हैं ताकि वो डायरेक्ट इम्पोर्ट यहाँ और यहाँ वुडन का फर्नीचर का क्लस्टर नई नई बातों को और अध्ययन करके कंसल्टेंट के द्वारा उड़ीसा में हमारे पोर्ट के द्वारा कितनी बड़ी क्षमता खड़ी हो सकती है नए रोजगार कैसे निर्माण हो सकते हैं इसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में आपके मार्गदर्शन में ये पोर्ट बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन होगा उतना मैं विश्वास दिलाता हूँ और फिर से एक बार पेट्रोल